गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। टिल 10th स्टैंडर्ड यू हैव टू स्टडी ओनली वन बेसिक साइंस सब्जेक्ट। नाउ इन फ्रॉम 11th यू हैव टू स्टडी सेपरेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नाउ ऑल दीज सब्जेक्ट्स वी हैव टू स्टडी थरोली एंड इन डिटेल्स। सो first in this chapter we will see some basic concepts, because our ideas, our basics are clear, in that case the next steps whatever is there that are easy to us for understanding. Now we will see what is this chemistry. जैसे हम लोग केमिस्ट्री अगर देखते हैं तो वहाँ पर हमें केमिकल रिएक्शन से याद आता है। केमिकल रिएक्शन से मीन्स कुछ तो भी रिएक्ट हो रहा है जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, एंड दैट आर कन्वर्टेड इन टू द डिफरेंट कंपाउंड्स दैट आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट है या दो रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट होकर कुछ नया अगर हमें मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऐसे जो भी रिएक्शंस होते हैं, फिर वो आर्टिफिशियल हो या वो नेचुरल हो, ये जो रिएक्शंस होते हैं, ऑल दैट रिएक्शंस वी हैव टू स्टडी इन दिस केमिस्ट्री। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? तो अगर हमें इसको साइंटिफिकली डिफाइन करना है तो केमिस्ट्री is the study of physical and chemical properties of matter and the physical and chemical changes it under different conditions. कभी हम लोग प्रेशर यूज़ को चेंज करते हैं, कभी टेम्परेचर चेंज करते हैं, कभी हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं दे विल गिव्स अस अ डिफरेंट प्रोडक्ट, और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये यहाँ पर अलग अलग होती हैं। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये देखते हैं, उसकी डेंसिटी देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग देखें तो हम लोग उसमें कुछ कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उसका कंपोजिशन क्या है, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, ऑल दैट वी हैव टू सीन इन दिस केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये जो साइंस अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद फिर बाकी के जो ब्रांचेस आते हैं दैट आर समवॉट रिलेटेड विद दिस बेसिक ब्रांचेस, इसको हम लोग मदर ब्रांचेस भी कहते हैं। तो ये जो है दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड देयरफॉर जब भी हमें हम लोग साइंस देखते हैं तो आप लोग देखोगे कि जो फिजिक्स में है उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में है, जो केमिस्ट्री में उसी से कुछ ना कुछ रिलेटेड हम लोगों को बायोलॉजी में दिखता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, दीज आर द मदर ब्रांचेस। और सुबह जब हम लोग उठते हैं तो सुबह से लेकर शाम को सोने तक कहीं ना कहीं हम लोग ये साइंस का यूटिलाइजेशन हमेशा करते रहते हैं। जैसे सुबह हम लोग पेस्ट अगर देख रहे हैं, सोप हम लोग देख रहे हैं, ऑल दैट कंटेन्स द केमिकल, उसका कुछ ना कुछ केमिकल फार्मूला होगा, वहाँ पर केमिकल साइंस यूज़ हुआ है, इसलिए हमें ये प्रोडक्ट्स यहाँ मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया, इलेक्ट्रिसिटी हमें फिजिक्स से हम लोग पूरा पढ़ते हैं, वो उससे रिलेटेड होता है। जो हमारी बॉडी पूरी बनी हुई है दैट इज़ द बायोलॉजिकल पार्ट, मीन्स ये जो कुछ भी ब्रांचेस हैं साइंस की ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और इसीलिए अगर हम लोग स्कोप ऑफ केमिस्ट्री देखते हैं तो हमारा जो लाइफ है, जैसे हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो फूड हम लोग खा रहे हैं, जो फ्लूइड हम लोग पी रहे हैं, क्लॉदिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल सप्लाईज, इन सभी का जो यूटिलाइजेशन होता है, ऑल दैट वी हैव टू सीन इन दिस केमिस्ट्री। अब ये जो केमिस्ट्री है तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में इसका यूटिलाइजेशन हुआ था, तो जैसे मेडिसिन में है या इंजीनियरिंग में है, एग्रीकल्चर में है, यहाँ पर इसके डिफरेंट ब्रांचेस हमें दिखते हैं। क्यों? तो जैसे जैसे उसका यूटिलाइजेशन बढ़ते गया, उसकी स्टडीज़ बढ़ती गई, तो अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर आते गए, एंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दीज सब्जेक्ट्स विल बिकम एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द ह्यूमन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इसके लिए हमें उसकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब अगर हम लोग इसमें एक ही इसमें पूरा अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा क्या पढ़ने के लिए? नहीं। तो इसलिए हमने इस केमिस्ट्री को अलग अलग ब्रांचेस में
डिसोसिएट करके रखा है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो फर्स्ट अगर हम लोग इसमें भी हम लोग जो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट में ही आपको इसको ध्यान में रखना है, बट ये सभी के ब्रांचेस में भी, ब्रांचेस के अंदर अंडर भी बहुत सारे ब्रांचेस केमिस्ट्री के हमें दिखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये सब आपको टिल 10th स्टैंडर्ड हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड, मीन्स जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6, उसके पूरे कंपाउंड्स, उससे जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, उस सब की स्टडी जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, कार्बन को छोड़कर जो भी बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं, उसकी स्टडी जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलेइंग केमिस्ट्री, कि जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो भी होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, और फिजिक्स से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री है, अगर हम लोग करंट देख रहे हैं तो करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, फिजिक्स में हम लोग करंट यूज़ करते हैं, बट ये करंट कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ आयंस कैसे होता है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कैसे होता है, ये अगर हमें पूरा पढ़ना है, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस फिजिकल केमिस्ट्री। देन नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मीन्स बायो है तो लिविंग बींग यहाँ पर आ गए, तो हमारे इसमें जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमें एनर्जी मिलती है, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, ATP के फॉर्म में रहते हो। अभी ATP क्या होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट, ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल केमिस्ट्री वहाँ से रिलेटेड होती है। तो जो लिविंग बींग से रिलेटेड केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, दैट ऑल इंक्लूडेड इन टू द बायो केमिस्ट्री। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट सेटअप्स जो होते हैं, जो मशीनरीज में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑल दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस एनालिटिकल केमिस्ट्री। दीज आर द सम ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ वी विल सी द मैटर, जो भी सब्सटेंसेस हम लोग देखते हैं, जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग हमारे इसमें मैटर कह सकते हैं। तो मैटर हम डिफाइन कैसे करेंगे, जो कुछ स्पेस ले रहा है, जिसको कुछ ना कुछ मास है और वो अलग अलग स्टेट में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं मैटर। मैटर ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास, इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब ये जो मैटर है, उस मैटर को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर टेबल में दिखाया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले हमने मैटर क्या है देख लिया, अब इस मैटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, ऐसे दो पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया। अब प्योर सब्सटेंसेस मीन्स क्या होता है, जैसे प्योर सब्सटेंसेस अगर हम लोग देखते हैं, तो ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर हैविंग सम डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पर उनका कंपोजिशन जो है, वो आप कहीं से भी लो, वो आपको हमेशा उतना ही दिखेगा, यहाँ पर उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, उसमें जितना उसको जैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो वैसे ही दिखेगी, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आपको वैसे ही दिखेगी। कहाँ से हम लोग उसमें प्योर सब्सटेंसेस को निकाल रहे हैं, इट्स नॉट अ मैटर, बट इट्स प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज सेम, तो ऐसे जो है उसको हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। जैसे जो प्योर मेटल है, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, डिस्टिल वाटर, उसके भी कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस। देन नेक्स्ट इज मिक्सचर। अब मिक्सचर मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर दो कोई डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर मिक्स हो रहे हैं, डिफरेंट कंपोजिशन से यहाँ पर हमें मिल रहे हैं,
तो उस कंडीशन में हम लोग उसे कहते हैं मिक्सचर। एंड दीज मिक्सचर्स आर हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमेशा उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होते रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर चेंज होती रहेगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया पेंट, पेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑयल, पिगमेंट एंड एडिटिव्स। आफ्टर दैट दिस प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू अगेन टू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, और उसको ये जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग कितने भी स्मॉलर पार्टिकल्स में हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं, इन दैट केस उसकी प्रॉपर्टीज जो है, दिस प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज सेम। ये एलिमेंट्स हमने फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, यस दे हैव अ लस्टर, शाइनी अपेयरेंस उसका होता है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम जिस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। देन अगर हम लोग उसमें मेलेबिलिटी भी होती है, मीन्स अगर हैमरिंग कर रहे हैं इट इज़ कन्वर्टेड इंटू द शीट। ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों को मेटल में दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, ये सब क्या है, ऑल दिज आर द मेटल्स। देन नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स। जो मेटल की प्रॉपर्टीज थी उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की हैं, उनको लस्टर नहीं होता है, दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम लोग शीट में या वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीन्स दे डोंट हैव अ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, दे आर ब्रिटल, दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द वायर्स। ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी जो मेटल की है उसके जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज हमें नॉन मेटल्स की यहाँ पर दिखती हैं। एग्जांपल इसके अगर हम लोग देखेंगे, आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑल दीज आर द नॉन मेटल्स। एंड नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स। जैसे सिलिकॉन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, आर्सेनिक का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जर्मेनियम है, तो ये क्या करते हैं, दे विल शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोनों की प्रॉपर्टीज वो यहाँ पर शो करते हैं, इसलिए हम लोग उसको मेटलॉइड्स कहते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, दैट इज कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डनरी केमिकल चेंज। सिंपलर सब्सटेंसेस में ईजिली चेंज नहीं होते हैं, उसमें पहले से ही यहाँ पर फिक्स प्रपोर्शन में दो या तीन एलिमेंट्स यहाँ पर कंबाइन हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड्स। और जो फिजियोकेमिकल मेथड है उसी को हम लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस। नाउ मिक्सचर, मिक्सचर्स क्या होते हैं, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर दो या तीन कंपोनेंट्स मिक्स हो रहे हैं। अब अगर ये कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हुए हैं, अगर हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे कि ये कार्बन का ये एक कंपोनेंट का पार्ट है, ये दूसरे का है, तीसरे का है, वो होमोजीनियसली है, ठीक है, उसको यूनिफॉर्म उसका सेटिंग हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने सॉल्ट और वाटर मिक्स किया तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, उसमें से हम लोग सॉल्ट पार्टिकल ये है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, ऐसे हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द होमोजीनियस सॉल्यूशन। देन सेकंड इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होगा, यहाँ पर दो कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं बट दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ठीक है, पूरा बल्क जो है उस बल्क में ये यूनिफॉर्मली मिक्स, ये कंस्टिट्यूएंट्स जो है दीज आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बल्क। जैसे सस्पेंशन ऑफ एन इनसोल्यूबल सॉलिड्स इन लिक्विड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इस तरीके से हमने ऑल जो मैटर्स है उस मैटर को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसको हमने क्लासीफाई किया हुआ है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स,
ये अगर हम लोग देते हैं उसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा यहाँ पर हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? दीज आर द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर। उसको हमें क्या करना है, सिर्फ हमको उसको देखना है, जैसे हम लोग फिजिकली अपियर फिजिकल अपियरेंस बोलते हैं, तो उसमें क्या जो प्रॉपर्टीज हमें दिखते हैं उसी से हम लोग उसको कंक्लूड करते हैं। तो वैसे ही जो प्रॉपर्टीज होती है कि एक सब्सटेंस आपके सामने रखा हुआ है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका ऑर्डर कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा है, कलर क्या है, स्टेट कौन सी है, डेंसिटी क्या है, ये सब कुछ हम लोग उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही यहाँ पर निकाल सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस प्रॉप उसमें हमने केमिकल कंपोजिशन चेंज किया है क्या? नहीं, कुछ भी केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर चेंज नहीं किया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि वैसी ही रहती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें हम लोग डिटरमाइन क्या क्या करते हैं, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल कंपोजिशन का क्या होगा? यस, केमिकल कंपोजिशन वहाँ पर चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ रिएक्शन वहाँ पर हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट केमिकल कंपोजिशन विल गेट्स चेंज। दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको डिफाइन किसे करना है हमें? दीज आर द प्रॉपर्टीज विच अंडरगोज अ चेंज व्हेन ऑफ द मैटर अंडरगोज केमिकल चेंज एंड देयर बाय एग्जिस्ट अ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। मीन्स जिस फॉर्म में कार्बन है यहाँ पर उसी फॉर्म में वो प्रोडक्ट में भी रहेगा, ऐसा हम लोग यहाँ पर नहीं कहेंगे। दैट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो अगर हमने कोल को बर्न किया है, कोयला जो होता है उसको अगर हमने बर्न किया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा और बाद में हमें सिर्फ यहाँ पर उसका बाय प्रोडक्ट राख यहाँ पर मिलती है। सिमिलरली इफ़ वी बर्न द मैग्नीशियम वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। मीन्स मैग्नीशियम जो ओरिजिनल फॉर्म में था वो यहाँ पर बर्न होने के बाद उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ फॉर्म होता है। मीन्स क्या हुआ है, हियर द केमिकल प्रॉपर्टीज विल गेट्स चेंज। नाउ मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ये हमें पता है यहाँ पर, तो उसको हमें मेजर कैसे करना है, उसको हमें किस तरीके से नोटिफाई करना है, ये अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग कोई भी प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट ले रहे हैं दैट कंटेन्स सम नंबर एंड द यूनिट, कोई भी क्वांटिटी आप मेजर करो, जैसे मास है, लेंथ है, एरिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम, कोई भी क्वांटिटी अगर आप चेक करते हो तो उसमें यहाँ पर हमेशा उसका नंबर और यूनिट, जैसे हम लोग देखते हैं चाहे 4 लीटर, मीन्स 4 क्या हो गया नंबर, लीटर क्या हो गया उसका यूनिट। 20 किलोमीटर्स हम लोग कहते हैं, 20 क्या हो गया, दैट इज़ द नंबर, और किलोमीटर इट्स अ यूनिट। मीन्स कोई भी मेजरमेंट अगर आप देखते हो तो उस कंडीशन में हमें ये नंबर और यूनिट दिखता है। तो ये यूनिट क्या है, तो वॉट इज़ यूनिट? द आर्बिटरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड यूनिट्स। मीन्स अगर आप देख रहे हो कि डिस्टेंस मेजरमेंट हम लोग यहाँ इंडिया में किलोमीटर में करते हैं, तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी जाओगे तो डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में ही मेजर करते हैं। क्यों? तो उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन वहाँ पर ऐसे मिला है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा हम लोग किलोमीटर में ही यूज करते हैं या उसको हम लोग नोट करते हैं। इसका एक आर्बिट्रेली कॉन्स्टेंट और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हमारा यूनिट क्या है, किलोमीटर या मीटर, ऐसे हम लोग उसको कॉन्स्टेंटली नोट किया हुआ है। अब ये जो डिफरेंट ये सिस्टम्स होते हैं तो उसके यूनिट्स क्या है, यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ किए हैं यूनिट्स के लिए। तो जैसे एक फर्स्ट है CGS सिस्टम, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकेंड, ये स्टैंडर्ड्स हैं। और इससे फिर डिराइव्ड यूनिट्स फिर भी रहते हैं कि जो अलग अलग यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज FPS सिस्टम, एफ मीन्स फुट,
पी पाउंड एस सेकंड, दैट इज द सेकंड सिस्टम। एंड थर्ड इज एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। और ये जो अभी अलग अलग सिस्टम्स थे उसको एक स्टैंडर्डाइजेशन हमें करना है, उसको एक पर्टिकुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको एक आइडेंटिटी अगर हमें देनी है तो इसलिए SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट्स, ये यहाँ पर आया हुआ है 1960 में। और जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस था वेट एंड मेजर्स उसके लिए, उसमें ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको हम लोग SI यूनिट्स बोलते हैं, ये फ्रेंच नाम है, इसको यहाँ पर दिया हुआ है। और उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो यहाँ पर यूज़ किए हैं। एंड दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब क्या है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और इस 7 फंडामेंटल यूनिट्स के जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके सिंबल, उसके SI यूनिट और SI यूनिट्स के जो सिंबल्स हैं, इसको आपको इस टेबल में अच्छे तरीके से उसको क्लेरिफाई किया हुआ है। ये कॉन्वर्सेशंस आपको प्रॉपरली ध्यान में रखने हैं ताकि आगे चलकर कोई भी अगर यूनिट आपको लिखना है तो उस कंडीशन में आप ये यूनिट्स जो है ये बहुत अच्छे से उसे लिख सकते हो। दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। नाउ वी विल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन दैट फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मास एंड वेट। अगर हम लोग मास और वेट अगर देख रहे हैं तो ये दोनों यहाँ पर डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं, मास अलग है वेट अलग है। तो अब मास क्या होता है, मास इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी हमारे बॉडी में यहाँ पर इनहेरेंट क्वांटिटीज प्रॉपर्टीज जो होती है उसका मेजरमेंट अगर जब हम लोग लेते हैं दैट इज़ द मास। और ये जो मास है आप कहीं पर भी चेक करो, दिस मास इज कॉन्स्टेंट, ये यहाँ पर चेंज अकॉर्डिंग टू पोजिशन ये चेंज नहीं होता है। वही अगर हम लोग वेट देखते हैं तो वेट ऑफ बॉडी जो है दैट विल गेट्स वैरीज विथ पोजिशन। ठीक है, अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पर सी लिप के पास अगर चेक करें तो अलग होगा, एट द टॉप ऑफ द हिल अगर आप देखोगे वहाँ पर हमारा वेट अलग होगा, और अगर आप स्पेस में जाते हो तो वहाँ आपका वेट अलग अलग होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग वेट कंसिडर करते हैं इट विल डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। और जैसा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अगर उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज़्यादा अप्लाई कर रहा है, तो वेट ज़्यादा होगा। और वही वेट अगर हम लोग स्पेस में देखते जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वहाँ पर हमारा वेट उससे कम होगा। और इसलिए ये वेट और मास जो है दैट आर द डिफरेंट क्वांटिटीज। ये दोनों क्या है, ये मास जो है, द मास ऑफ अ बॉडी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स वेट। क्योंकि मास हम लोग क्या हो रहा है, कहीं पर भी जाओ आपको उसे चेंज नहीं होना है, इसलिए ये जो मास है दैट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी। और वेट जो है वो उतनी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इट मे गेट्स वैरी। ये कन्वर्शन हमें पता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। देन नेक्स्ट इज लेंथ, सबको पता है लेंथ कैसे हम लोग चेंज करते हैं, इन द मीटर में चेंज करते हैं, ये चेक करते हैं, या सेंटीमीटर में हम लोग जो हमारी स्केल होती है वो सेंटीमीटर में या फीट में हम लोग उसे चेक करते हैं। बट अगर हम लोग केमिस्ट्री के कंसर्न में अगर उसको देखते हैं तो हमें लेंथ कहाँ पर मेजर करनी होती है, उसमें एटॉमिक लेंथ, रेडियस जो है, बॉन्ड लेंथ, वेव लेंथ, ये सब क्या है, स्मॉलर पार्ट्स है यहाँ पर। तो उसको मेजर करने की जो स्मॉलर लिमिट हमें यूनिट यहाँ पर हमें लगते हैं वो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं नैनोमीटर, पिकोमीटर। अब 1 nanometer मीन्स कितना होता है, दैट इज़ द 1/9 पार्ट ऑफ द मीटर। 1 meter का जो डिस्टेंस है अगर हम उसको 9 times डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमें छोटा सा टुकड़ा मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज द
वन नैनोमीटर, और ये कन्वर्शन होगा वन नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर। वही सेम पिकोमीटर अगर हम लोग देख रहे हैं तो 1 picometer इज इक्वल टू 10^-12 मीटर, ये -12 मीटर में यहाँ पर जाता है। और ये दो यूनिट्स जो है दैट वी हैव टू यूज इन द केमिस्ट्री। उसी के साथ साथ माइक्रोमीटर भी होता है, इट मीन्स 1 micrometer इज इक्वल टू 10^-6 मीटर। ऐसे अलग अलग यूनिट्स जो स्मॉलर डिविजन है उसको हम लोग यहाँ इसमें मेजर कर सकते हैं, दैट इज अबाउट द लेंथ। देन नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स क्या है, कितना स्पेस उस वाटर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम। फिर हम लोग वो सॉलिड का भी ले सकते हैं, लिक्विड का भी ले सकते हैं, और गैसियस वॉल्यूम भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको अलग अलग ऐसे वॉल्यूम के कंडेंसर्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग 100 ml ये लिक्विड स्टेट्स में जो मैटर है उसको मेजर करने के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। वही सेम अगर हमें सॉलिड लेना है तो सॉलिड का मेजरमेंट हम लोग उसका एरिया निकाल कर ईजिली कर सकते हैं, और गैसियस स्टेट में है तो पर्टिकुलर गैसियस स्टेट में कितने गैस मॉलिक्यूल्स वहाँ वाइंडआउट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग गैसियस वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर हमें मास पता है उस मैटर का, हमें वॉल्यूम पता है, तो हम लोग डेंसिटी इजीली निकाल सकते हैं, और उसीलिए हमने उसे कहा हुआ है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज द डेंसिटी। उसका CGS यूनिट है हमारे इसमें ग्राम पर मिलीलीटर और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और SI यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पर हम लोग उसको डेंसिटी निकाल सकते हैं। देन टेम्परेचर, सबको पता है टेम्परेचर क्या होता है, किसमें दे मेजर करते हैं हम लोग उसे, वी विल मेजर इट इनटू द डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट, इसमें हम लोग उसे मेजर करते हैं। तो कितना हॉट है ऑब्जेक्ट, कितना कोल्ड है, ये मेजर करने के लिए हमें टेम्परेचर यहाँ पर यूज़ होता है, और उसको हम लोग नॉर्मली 3 scales में नोट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस भी हम लोग उसे कहते हैं, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन। अब ये जो है केल्विन फारेनहाइट का कन्वर्शन डिग्री सेंटीग्रेड में, अब उससे क्या होता है, यहाँ पर इस डिग्री जो 0 degree centigrade हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो 0 degree centigrade प्लस 32 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0 Fahrenheit डिवाइडेड बाय 9। इसका जो कुछ भी आंसर आएगा उसको हम लोग 9 से अगर डिवाइड करते हैं, या 1 Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5 degree centigrade प्लस 32, इस तरीके से भी आप उसे निकाल सकते हैं। दैट इज द कन्वर्शन ऑफ दिस फारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड। और जो आपके 1 mark के MCQs होते हैं, उस 1 mark के MCQs के लिए आपको यहाँ पर ये जो कन्वर्शंस है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है आपका F इज इक्वल टू 9/5 degree centigrade मल्टीप्लाइड बाय 32, सो प्लस 32, ये जो है इससे आपको कन्वर्शन आप कर सकते हो। और वही अगर आप केल्विन का आपको कन्वर्शन करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 1 Kelvin इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ये जो कन्वर्शन होता है दैट इज़ द कन्वर्शन ऑफ केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ओके, दीज आर द 5 main फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। कौन से देखे हमने इसमें, मास एंड वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड लेंथ। ओके, ऐसे अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर इसमें पढ़ी हुई है, और ये दोनों कन्वर्शन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है फॉर सॉल्विंग एंड MCQs।